चले कहीं और, काफिला कहीं और चला, तू चली कहीं और, हो जरा जरा चीक रहा हुआ रूबरू मकसद, उड़ान ली जो तूने Hey guys, good morning, welcome back to this new video. उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक है क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो अभी तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। तो गाइज अभी आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा भें 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 भें, तो मौली का है ये, देखिए इसका अभी रोना गाना शुरू है। रो क्यों रही हो? बच्चा से जितना पूछिएगा कि रो क्यों रही हो वो और ज्यादा भें 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 करेगा। ठीक है तुम रो लो थोड़ा देर, नहीं थोड़ा देर रो लो, जब मुंह दर्द देने लगेगा तो शांत हो जाओगी, और थोड़ा सा और उधर हो करके लेटो नहीं तो झुलवा से नीचे आ जाओगी। हम बहुत गंदे हो गए। ठीक है हम जा रहे, चिल्लाओ नहीं हम जा रहे। तो गाइस अभी ना हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं, मतलब खाना बना रहे हैं, तो अभी कुकर में चढ़ा है दाल, पता है फुनचुनिया का ना थोड़ा सा है, मतलब चाहिए तो चाहिए अभी चाहिए ऐसा कुछ सीन, तो ऐसा थोड़ी होता है यार, उसको थोड़ा सा समझाना भी पड़ेगा। हम बोल दिए कि हर चीज के लिए जिद मत किया करो, तो अभी पहले ना किचन का काम कर लेते हैं, उसके बाद पता है हम क्या कर रहे थे। यहाँ पे मशरूम लेके हम बैठे थे काटने मशरूम को, तो निकी रिकॉर्ड कर रही थी और हम पता है सच बताया हमको पता ही नहीं था कि रिकॉर्ड कर रही है, फिर भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे अपना मशरूम काटने में बिज़ी थे, बढ़िया से इसको धो लिए थे, धो करके और काट रहे थे, और बिना लहसुन प्याज का मशरूम का सब्जी बनाए थे, इतना टेस्टी बना था ना गाइस, इतना टेस्टी, हम तो इतना सोचे भी नहीं थे कितना बढ़िया बनेगा। और तो और गाइस पता है हम यहाँ पे बैठ के ना अपना ब्लॉग देख रहे थे, हमको अपना ब्लॉग इतना अच्छा लगता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, खास करके पूजा पाठ वाला सीन बहुत अच्छा लगता है, तो इसी को हम देख रहे थे, और हम भी थे, मम्मी भी थी, मम्मी फिर रूम में चली गई थी, तो ब्लॉग यहाँ पे देख रहे थे। उसके बाद ना यहाँ से उठे, फिर हम गए किचन में, किचन में हम मशरूम का सब्जी जैसे बनाना था वैसे छौके, तो ये पता है प्याज की जगह पे हम क्या डाले थे, प्याज के जगह पे हम डाले थे पत्ता गोभी कैबेज, कि वो कम से कम वो ग्रेवी के लिए कुछ ग्रेवी बने अच्छा, उसके लिए तुमको कुछ डालना था ना, तो प्याज के जगह पे हम सोचे कि पत्ता गोभी यूज़ करना चाहिए। निक्की बोल भी रही थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, हम बोले कि ठीक है एक बार बना के ट्राई तो करते हैं कैसा लगेगा, उसके बाद पता चलेगा, तो बोले कि ठीक है तुम बनाओ। तो निक्की यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी और यहाँ पर हम पत्ता गोभी हल्का सा फ्राई किए थे, डीप फ्राई नहीं था। उसके बाद पहले तेल डाले थे, उसमें जीरा डाले थे, उसके बाद चार मिर्चा डाले थे, पता है मिर्चा ज़्यादा हो गया था गाइस, थोड़ा तीखा बन गया था। उसके बाद मशरूम डाले थे और उसके बाद इसको चला रहे थे, अच्छे से फ्राई हो गया था। सबसे पहले तो बताते हैं कि इसमें मसाला हम क्या क्या डाले थे। इसमें ना जैसे तेल डाले, तेल के बाद जीरा डाले, चार मिर्चा डाले, और उसके बाद पत्ता गोभी डाले, उसको चलाए, कुछ देर चलाए, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किए थे। उसके बाद मशरूम डाल के और मशरूम भी चलाए, तो मशरूम में ना अपना पानी होता है तो वो भी पानी छोड़ा। उसके बाद नमक डाले, नमक डाल के भी थोड़ा इसको अच्छे से फ्राई किए। उसके बाद इसमें जो जो मसाला डाले वो हम आगे बताते हैं। तो गाइस अभी पता है बहुत लेट हो गया, अभी ना टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, और पता है सबको, मतलब ऐसे तो निक्की खाना बनाती है ना डेली, लेकिन आज हम बना देते हैं खाना, तो अभी हम खाने में बनाए दाल, ये चावल, और ये रहा दाल, और ये रहा सब्जी, मशरूम का सब्जी है गाइस, पता है बिना लहसुन प्याज का बनाया, पता नहीं कैसा लगेगा खाने में, तो अच्छा लगना तो चाहिए, निक्की बताएगी खा के, तुम सच सच बताओगी ना कैसा लगा, सच सच बताना ठीक। तो गाइस यहाँ पे सब्जी भी रेडी हो गया है लगभग लगभग, ये रहा, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है देखने में। मसाला हम इसमें पता है क्या डाला है, छोटी इलायची, अदरक,
टमाटर और थोड़ा सूखा मसाला और बस, और हल्दी और सूखा मसाला में वही सब्जी मसाला था वही बस। और इसको ना थोड़ा इसमें लटपट लटपट इसको बनाने के लिए पता है क्या किया है, इसको ना पत्ता गोभी डाल दिए है। अब देखते हैं खा के कैसा लगेगा। उसके बाद हम और निक्की ना यहाँ पे थोड़ा सा खाना लेके बैठे, मतलब रोटी तो नहीं बनाया था, चावल बना था, चावल दाल और सब्जी बनाए थे। पता है गाइज हम थोड़ा ही सा खाए, हमको ना बहुत ज़्यादा खिलाया भी नहीं, हम जैसे नॉर्मली खाते हैं वैसे ही खा रहे थे। कैमरा के सामने भी हम भूल गए थे कि कैमरा ऑन है, हम एक बार कैमरा की तरफ देखे भी नहीं। कि थोड़ा शाही है वो, शर्माती है पता है ना, तो हम मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, तो हम तो खा रहे थे मस्त और खा के पानी पी रहे थे। इतना तीखा लग रहा था, इतना तीखा बन गया था मिर्चा ना, इतना तीखा मिर्चा था, मतलब हालत ख़राब हो गया था। हम एकदम बोलते थे सुसुआ रहे थे खा के उसके बाद, लेकिन टेस्टी भी लग रहा था क्योंकि मशरूम मेरा फेवरेट है, मशरूम हमको बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो पहले तो लहसुन प्याज वाला भी जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में खा लेते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी बस जो घर में बनाए वो भी बिना लहसुन प्याज का। इसमें ना इलायची वगैरह डाल दिए थे, इलायची छोटी इलायची बड़ी इलायची और जीरा मरीच पीस के, अदरक पीसा हुआ था, टमाटर पीसा हुआ था, हल्का सा सूखा मसाला डाला हुआ था, तो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पे दोनों बहन खा रहे थे और हम और निक्की ऐसे बहुत टाइम के बाद साथ में खाना खा रहे थे, और क्योंकि निक्की का भी बहुत जल्दी शादी ब्याह हो जाएगा तो इसलिए जब तक है तब। तो गाइस चले छत पे, अभी इतना अच्छा शाम का मौसम किया हुआ है ना, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है। पता है शाम में ना वैसे भी छत पे बहुत अच्छा लगता है, टंकी यहाँ भरा हुआ है और हम लोग छत पे, सनसेट हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। पता है क्या ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, पता है क्या मेरा ना हमेशा से आदत है, हम हमेशा बताए भी है, हमको ना अकेले छत पे आकर के बहुत अच्छा लगता है, हम अकेले एकदम टाइम स्पेंड करते हैं छत पे। लेकिन पता है अभी जो घर में काम लगा हुआ था ना, तो कई दिन से ना हम आए नहीं थे छत पे, तो अब जा कर के हमको टाइम मिला कि हम छत पे आए ऐसे टहले, तो इतना अच्छा एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। पता है गाइस मतलब आप लोग तो मेरे एक परिवार है ना, हम सच बता रहे हैं, हमको ना जिंदगी में किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं है, किसी चीज़ से नहीं, किसी इंसान से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, हम हर चीज़ के लिए ऊपर वाले को ना शुक्रिया 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 थैंक यू बोलते रहते हैं। लेकिन पता है बस एक जो होता है ना पार्टनर का प्यार, उससे हम हमेशा हमको नहीं मिला है, कभी नहीं मिला है। और अब जो ऐसा सीन हुआ ना, सब सब कुछ हमको पता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस सब कुछ जो हुआ ना उसके बाद से पता है क्या लगता है कि जा ऊपर वाला जो करता है ना उसका प्लान हम लोग नहीं समझ सकते हैं, वो जो करता है बढ़िया करता है। तो ऐसा बहुत अच्छा मौसम किया, पता है बहुत टाइम के बाद ना ऐसे छत पे आकर के हम घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, पूरा एकदम लग ही नहीं रहा है डाल्टनगंज है, पता है क्या लग रहा है कि हम लोग रांची में है, रांची का मौसम बहुत अच्छा रहता है, हमको रांची का मौसम बहुत पसंद है। तो गाइस पता है अभी ना 8:30 बज रहे हैं रात का, ये देखिए 8:30, निक्की यहाँ पे पानी भर रही है फ्रिज में और वहाँ पे वो फुनचुनिया खड़ी है गुपचुप खाने के लिए जाने के लिए, और दो ठो बटालियन, सब तीनों बटालियन खड़ा है ना। तो अभी ये लोग को है कि गुपचुप खिलाओ, गुपचुप खाने जाना है। हम मम्मी पापा से एक बार पूछ लेते हैं, कहीं भी हम जाते हैं ना तो हम ज़रूर पूछ लेते हैं कि आप लोग कुछ खाएंगे, कुछ ला देंगे मम्मी तुम्हारे लिए, कुछ खाओगी मोड़ पे, आप कुछ खाइएगा, अच्छा दही वाला चाट ठीक है, तो वो हम मंगा दे रहे घर ही पे, नहीं खाली पापा के लिए मंगा दे रहे हैं।
तो एक में आप लोग दोनों लोग खा लीजिएगा, दो तो मंगा देंगे, एक ठुनिकी बर्फ क्या कोल्ड ड्रिंक। हाँ आइसक्रीम, अच्छा ठीक ठीक है, कोई हम ला दे रहे पापा, चलो ना। चलो तुम तैयार हो? तो गाइस ये ना पता है आदत है मेरा, मतलब कहीं भी जाएंगे ना आप शुरू से ये चीज़ मम्मी पापा से जरूर पूछ लेते हैं कि आप लोगों को कुछ चाहिए, कुछ लाना है कुछ खाने के लिए। मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है ना, और सही बात है उनका बुढ़ापा में माँ बाप को बाल बच्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा। हर बच्चा का ये फर्ज है कि वो अपने मम्मी पापा के लिए करे ही करे। तो गाइस अभी आ गए अपने मोड़ पे, और पता है अभी ना गर्मी का मौसम है तो इतना अच्छा लग रहा है ना, एकदम शांत, और आज संडे भी है ना वैसे भी, तो एकदम शांत शांत लग रहा है, पूरा पूरा मोड़ एकदम शांत है। और मौली यहाँ पे अपने लिए कुछ कुछ ले रही है, कोल्ड ड्रिंक ले रही है, उसको फैंटा पीने का मन था तो फैंटा, और आइसक्रीम ले रही है, उसको तो चाहिए ही ये चीज़। और हम लोग थोड़ा बहुत गुपचुप खा लिए और बस इतना काफ़ी है, अब निकलेंगे यहाँ से। कितना टाइम हो गया? 9 बज गया। तो यहाँ पे जब भी आती है पता है इतना ये भैया को इतना परेशान कर देती है ना, मतलब परेशान क्या करती है, ये चाहिए मम्मा जी, ये चाहिए, ये चाहिए, तीन ठो ये चाहिए, तीन ठो वो चाहिए, इसका पता है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं कब छूटेगा भगवान जाने। फिलहाल हम निकी, अच्छा लग रहा है ना मौसम, बड़ा अच्छा किया पता है, एकदम ठंडा ठंडा बढ़िया, एकदम पेड़ पौधा हिल रहा है गाइस, पता है इधर रोड भी सन्नाटा सन्नाटा तो बढ़िया थोड़ी लगता है। हमको लगा पता है पुलिस का गाड़ी जा रहा है, लेकिन ये पुलिस का गाड़ी नहीं है यार, इका है, थार है, बड़ा मस्त लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। गाइस पता है अभी घर आए, अभी 9 बज गया, वहां से सब लोग आइसक्रीम, मौली अपने लिए आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खा रही है दादी, मम्मी आइसक्रीम खा रही है, निक्की आइसक्रीम खा रही है, हम आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं ना तो खाएंगे, क्योंकि हमको एकदम अच्छा नहीं लगता आइसक्रीम, हमको आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। और गाइस बिना लहसुन प्याज का जो सब्जी बना है ना, इतना टेस्टी बना, हम निक्की से पूछवाते हैं आप लोग को कि कैसा बना है, क्योंकि वो भी खाई है ना तो वो देगी इसका फीडबैक। हम पहले अपने लिए थोड़ा सा चावल और सब्जी निकाल लेते हैं। तो गाइस ये रहा चावल और मशरूम का सब्जी, और ये बिना लहसुन प्याज का सब्जी है, अभी खाने में ये देखिएगा इतना हमको तो बहुत टेस्टी लगा है, बाकी का हम निकी से पूछवाते हैं। मम्मी रिमोट हटाओ ना, मम्मा बोलो, हम भी खाएं, खाओगी, खिला रहे, तो मुंह से खा रही हो कि नाक से खा रही हो बाबू? ये नाक पे लगा हुआ है, और हम जोकर बने, जोकर बनी हो, सिर पे लगा हुआ है। निकी तुम ही खाई थी ना मशरूम, दाल क्यों नहीं ली? दाल नहीं मन था खाने का, हमको सब्जी और चावल खाने का मन था। मशरूम कैसा लगा खाने में? लग रहा है कि बिना लहसुन प्याज का बना है? नहीं लग नहीं रहा। लग रहा है नहीं ना, टेस्टी लग रहा था ना, अच्छा लग रहा था, अच्छा बना था, थोड़ा सा तीता हल्का हो गया, थोड़ा सा तीता था लेकिन अच्छा बना था ना, अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा। तो गाइस आता है थोड़ा थोड़ा हमको खाना बनाने, खाना खैर अच्छा बना है, टेस्टी बना है सब्जी, हमको भी लग रहा था कि बिना लहसुन प्याज हम कैसा बनाएंगे। तुम्हारी मम्मी बच्ची जैसा करती है? अच्छा बेटा, और तुम मेरी मम्मी जैसा करती हो है? ए जी बढ़िया से प्लेट पकड़ो बेटा, प्लेट ऐसे टेढ़ा पकड़ियो जी, अच्छा प्लेट में ज्यादा नहीं चुआ है, थोड़ा सा चुआ है, तो पहले हम खा लेते हैं चावल और सब्जी, मशरूम का सब्जी बहुत टेस्टी है बिना लहसुन प्याज का। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब आज है नेक्स्ट डे, और पता है क्यों, मतलब क्या बोले हम ना अजीब अच्छा नहीं लग रहा हमको, नहा वहा के हम कुछ खाए नहीं है, लेकिन ऐसे बैठ जरूर है, ठीक नहीं लग रहा है, भगवान जी के पास बैठे हुए थे सामने में, पता नहीं क्यों ऐसा, पता नहीं क्या हो रहा है, दिखवाना पड़ेगा। यहाँ मौली बैठ करके टीवी देख रही है, तो
कंचना मूवी देख रही हो? हे भगवान, ये कंचना मूवी है? कंचना नाश्ता ला रहे, नाश्ता करो। यहाँ पे निकी अपना मतलब सबके लिए नाश्ता वास्ता बना रही थी, मम्मी के साथ मिलके। अच्छा, तो यहाँ पे पूरा एकदम बिखेर के रखी है आटा वाटा। यहाँ पे ये चिमनी यहाँ लग गया है, इसमें का है सब्जी कुछ बनाई होगा। तो गाइस जो सब्जी कल बनाया था ना मशरूम वाला, पता है वो वाला है ही, देखिए हो जाएगा। अच्छा, बोदी का भुजिया, यहाँ पे बोदी का भुजिया बना के रखी हुई है। चलो हम भी खा लेते हैं, बाबू को भी खिला देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपना नाश्ता लेकर के बैठे। नाश्ता में वही रोटी और कल वाला सब्जी बचा हुआ था वो था, और निकी भुंजिया भुंजी थी बोदी का तो वो था, तो लेके बैठे हुए थे। पता है गाइस, पता नहीं क्यों रह रहे, मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, हमको अजीब अजीब लग रहा है, एकदम अजीब अजीब लग रहा है, हमको दिखवाना ही पड़ेगा। कुछ लोग को पता है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं ना जिनको देख कर खुशी किसी का देख करके बर्दाश्त नहीं होता है। कल पता है कुछ लोग बोल रहे थे कि अपने उम्र से बड़ी लगती है देखने में, ये वो। तो भाई एक बात बताए, मेरे उम्र में जितना लोगों को लोड नहीं पड़ा होगा ना लड़कियों को, उतना तो माथा में टेंशन आके पड़ा हुआ है। बच्चे का अलग, फैमिली का अलग, अपना मेरा तो कुछ है ही नहीं, बस जी रहे खा रहे रह रहे, बस वही है ज़िंदगी मेरा, तो बस दूसरों के लिए जीना ज़िंदगी है, हम तो अभी तक यही देखे तो ऐसा है। तो हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, मतलब चेहरा कैसा लग रहा है, बाल कैसा लग रहा है, ठीक है जो है सब बढ़िया है, हमको तो लगता है कि मतलब जो है सब बढ़िया है। अपने आप को हम बहुत पसंद करते हैं, अपने आप को हम पता है दिन में 5-6 बार तो आई लव यू शिवानी हम बोल ही देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। अपने आप को उस माहौल से निकाल करके अभी तक सही से रखना बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। हम बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखे हैं ना जिसका पति, पता है पत्नी रहते हुए भी इधर उधर मुंह मारता है, वो कुछ नहीं कर पाती है, जान के बस देखती है कि ये ठीक है कर रहा है, मेरा तो खर्चा पूरा रहा है ना, बस ये सोच करके वो रहती है। हम ऐसी भी औरत को देखे हैं, कई मेरे पास एग्जांपल है, और ऐसे कितने सारे लड़के हैं बाप रे जो दिखाते हैं कि वो सिंगल हैं या फिर उनकी वाइफ से उनका बनता नहीं है, लेकिन हर जगह मुंह मारते हैं, हर जगह मुंह मारने का आदत है, लोगों से और लड़कियों से झूठ बोलते हैं कि मेरी वाइफ के साथ मेरा बनता नहीं है, और लेकिन इन रियलिटी सब कुछ सही रहता है, लेकिन उनको कुछ लोगों को 75 जगह मुंह मारने का आदत होता है। तो देखिए वैसे लोग अपने आप पे और भी ज़्यादा ध्यान देता है ना, क्योंकि उसको अपना फिज़िकल अपीयरेंस बढ़िया रखना होता है, तो अपने आप को दिखाता है। और मेरे साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, हमको तो किसी को कुछ दिखाना नहीं है कि भाई मेरा शक्ल सुंदर है कि मेरा का सुंदर है, हम जैसे भी हम अपने आप को बस सुंदर, अब हम जानते कि हम अच्छे हैं बस, अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा उससे हमको मतलब नहीं है। अभी हम अगर जिम भी ज्वाइन करने वाले थे ना, मतलब हम सोचे थे कि अपने बॉडी फिगर पे ध्यान भी देंगे, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। तो हमको बस यही था कि हम मतलब खुद से एक खुद का कॉन्फिडेंस ठीक रहे, बस ऐसा है। हम किसी को बुरा जल्दी बोलते नहीं हैं, मेरा ये आदत है, किसी को बुरा बोलने का हमको कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, तो हमको किसी के लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करने का रहता है, क्योंकि जब से बहुत कुछ देखे ना बहुत छोटा सा उम्र में, तो बहुत कुछ से इंटरेस्ट चला गया। किसी का दुख देख करके पता है गाइस, कभी हम खुश नहीं होते, कभी नहीं, हमको लगता है कि हम किसी का बना दे किसी का बिगाड़े नहीं। जैसे अभी हमको कुछ लोग बोलता है ना कि इसको तो सब चीज़ मिल जाता है, ये वो फलना ढिकना, कितना मुश्किल एक समय था मेरे पास ना जब 100 रुपया नहीं हुआ करता था, और जब पति छोड़ा था ना तो 5 रुपया नहीं था मेरे पास। अभी आज जो कुछ भी है सब ऊपर वाले का है, सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है, हम ये बोलते हैं। बाकी जिसको जो लगे, जो समझते हैं, जो समझ सकते हैं वो जानेंगे, और जो नहीं समझ सकते हैं वो नहीं जानेंगे।
बाकी को और ज़्यादा हम भाषण नहीं देंगे फिलहाल तो यही। कल एक सूट के बारे में लोग पूछ रहे थे ना, कल जो हम ग्रीन वाला सूट पहने थे कि वो कोई दिया है, तो नहीं गईज वो कोई दिया नहीं है, वो सूट रांची के अपर बाज़ार से लिया हुआ था। हमको कल याद नहीं आया, हम डाल्टनगंज बोल दिए, नहीं वो रांची के अपर बाज़ार से चांदनी कपड़ा दुकान, एक दुकान है अपर बाज़ार में, लोग जानते होंगे, वहाँ से लिया हुआ था। मौली का जब फर्स्ट बर्थडे था ना, तो हस्बैंड वो सूट मेरे लिए ख़रीदे थे, क्योंकि हम लोग को नया नया कपड़ा पहनना था दोनों हस्बैंड वाइफ को, और मौली का बर्थडे का केक कटवाना था, इसका फर्स्ट बर्थडे अच्छे से मना था, तो वही मेरे लिए ये सूट खरीदे थे ग्रीन वाला। और ये सूट बहुत सुंदर था, मतलब सोचिए मौली अभी उसका 5 साल कम्प्लीट हो गया, 5-6 साल पहले का सूट है, लेकिन आज भी नया लगता है, क्योंकि हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, इसलिए वो सुंदर लगता है देखने में। और वहीं से वो रांची के अपर बाज़ार से लिया हुआ है, सूट भी 1700-1800 मतलब 2000 के लगभग का ही था सूट, अभी हमको उतने अच्छे से याद भी नहीं है, लेकिन हाँ 2000 के लगभग का था इतना ज़रूर याद है। तो यहाँ पे हम खाने के बाद मीठा खा रहे थे, जो मेरा बहुत बुरा है लत मीठा खाने वाला, ही हमको छोड़ना है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम गाइस यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी 21 मिनट का हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वेट हमको लूज़ करना चाहिए है ना, और ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को क्या बोलना चाहेंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से सजेशन दीजिएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, भगवान को भी, भगवान पे भी सब कुछ छोड़ दीजिए, ऊपर वाला है वो देखेगा, क्योंकि हर चीज़ हम लोग हैंड, हर कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है ना, ऊपर वाला भी तो कुछ सोच के रखा होता है। सबको अपना अपना कर्म यहीं भोग के जाना है, हम ज़्यादा भाषण नहीं दे रहे गाइस, प्लीज़ वैसा कोई मत सोचिएगा, लेकिन हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।